लेके आई हूँ, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं गणगौर माता की पोशाक का वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे ही इजीली किस तरह से गणगौर माता की पोशाक रेडी कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये रेड कलर का फेब्रिक लिया, गणगौर माता के लिए बेस्ट रहता है रेड कलर। आप इसमें ग्रीन येलो भी ले सकते हैं, मेरे को रेड अच्छा लगा, मैंने रेड ले लिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसकी 5 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई ले लिए। फ्रेंड्स, गणगौर माता की साइज के अकॉर्डिंग आप इसके मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मैंने आपको ये मेजरमेंट बता दिए है, मैंने जो मेजरमेंट लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले यहाँ हम दोनों साइड गोटे की लेस लगाएंगे। ये देखिए मेरे पास गोटे की लेस है, ये वाली। मैं ये यहाँ दोनों साइड सबसे पहले ये लेस लगाऊंगी। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने ये दोनों साइड इस तरह से गोटे की लेस लगा दी है। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ नीचे यहाँ एक लेस लगा देंगे और ये फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये वाली लेस लगाएंगे हम यहाँ नीचे। मेरे पास ये देखिए ये लेस है, आप कोई भी लेस ले सकते हैं, मेरे पास ये वाली लेस है। तो मैंने ये लेस ले ली और मैं आपको बहुत ही सुंदर गणगौर माता की पोशाक बना के बता रही हूँ। और बहुत ही सुंदर ये लहंगा गणगौर माता का रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम ये लेस लगा लेंगे। ये देखिए मैंने ये लेस इस तरह से लगा दी है। अब फ्रेंड्स, हम ऊपर ये इस तरह से सलवट लगाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। और ये बहुत सुंदर लहंगा रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सलवट लगा के इस पे पूरे फैब्रिक पे, ये देखिए इस तरह से सलवट लगा ली है मैंने। और ये देखिए अब मैं ये लेस लगाऊंगी यहाँ इस तरह से। और फ्रेंड्स, ये गणगौर माता को पीछे बांधने में भी काम आ जाएगा। ये दोनों साइड से मैं थोड़ा बड़ा रख लूंगी। और ये देखिए कितना सुंदर मैं आपको लहंगा बना के बता रही हूँ। ये देखिए गणगौर माता के लिए लहंगा पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए गणगौर माता का लहंगा। और फ्रेंड्स, अब इस लहंगे के ऊपर ये देखिए पटका टाइप में ये लगाने के लिए ये बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने ये 5 इंच तो लंबाई ली है और 1 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो फ्रेंड्स, इसके सबसे पहले हम यहाँ चारों ओर ये गोटे की लेस लगा लेंगे। मेरे पास ये गोटा है तो मैं इसकी लेस लगा रही हूँ, आप कोई भी लेस लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ ये चारों ओर लेस लगाएंगे। ये देखिए मैंने ये चारों साइड गोटे की लेस लगा ली है। और ये हम लहंगे के ऊपर इस तरह से पटका बनाया मैंने। तो ये लहंगे के ऊपर इस तरह से हम लगाएंगे गणगौर माता के। ये देखिए तो ये रेडी हो गया है। अब हम गणगौर माता की चुनरी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से चुनरी तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने रेड कलर का फेब्रिक ले लिया है, इसकी 4 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई ली है मैंने। और ये देखिए गोटे की लेस है, तो मैं ये यहाँ तीनों साइड ये गोटे की लेस लगाऊंगी और फिर यहाँ नीचे वाली साइड ये देखिए ये लेस लगा दूंगी। ये देखिए लेस लगा के तीनों साइड ये लेस लगा ली है। और ये देखिए चुनरी पे, अब थोड़ी भारी चुनरी हो जाए गणगौर माता की, तो इसके लिए ये देखिए मेरे पास ये छोटी छोटी बूटियां हैं, मैं ये इस तरह से पेस्ट कर दूंगी चुनरी पे। और ये हेवी चुनरी गणगौर माता के लिए रेडी हो जाएगी। ये देखिए गणगौर माता की ये चुनरी बन के रेडी हो गई है। अब मैं आपको ईसर जी की ड्रेस बताऊंगी कि किस तरह से हम घर पे ही ईसर जी की भी ड्रेस बना सकते हैं। तो ईसर जी के ड्रेस के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक ले लेंगे। तो मैंने ये देखिए येलो कलर का ये फैब्रिक लिया है, आप इसमें कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। ज्यादातर ये येलो कलर की ही ड्रेस बनती है ईसर जी की, तो आप इसमें रेड भी ले सकते हैं, मैंने येलो लिया है। तो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, 6 इंच इसकी लंबाई है, 6 इंच इसकी चौड़ाई है, सेम है। आप अपने ईसर जी जिस भी हिसाब से बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले ले। तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए ये 2 पार्ट्स में है इस तरह से। अब हम यहाँ इस तरह से ये गोल सर्किल से इस तरह से यहाँ कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये गोल कटिंग कर ली है ऊपर से इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ दोनों साइड में लेस लगाऊंगी। तो मैं ये येलो कलर की लेस ली है मैंने, अब मैं यहाँ इस तरह से दोनों साइड ये लेस लगाऊंगी। आप इसमें कोई भी लेस ले सकते हैं, इस तरह से मैं दोनों साइड लेस लगा दूंगी। ये देखिए ये मैंने इस तरह से दोनों साइड लेस लगा दी है। अब फ्रेंड्स, हम ये ईसर जी की धोती बना रहे हैं, तो ये देखिए अब हम इस पे सलवट लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ बीच में से इस तरह से और फिर पूरे फैब्रिक पे इस तरह से, ये देखिए। और इसी तरह से हम दूसरे वाले फैब्रिक को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इस पे सलवटें डाल दी है।
और इसी तरह से इस दूसरे वाले फैब्रिक पे भी मैंने डाल दी सलवटे। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम इन दोनों फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे इक्वल और ये यहाँ इस तरह से स्ट्रेचिंग कर देंगे इतने हाफ यहाँ तक इतनी दूर। और फिर ये देखिए, ये मेरे पास ये लेस है, ये ऊपर नेफे के लिए मैं लगा दूंगी थोड़ा सा, इसको ऐसे इस तरह से छोड़ते हुए ताकि ये पीछे बांधने में काम आ जाए। इसी का मैं नेफा बना रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए गणेश इस सरजी की धोती बनके रेडी हो गई है। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल और कितनी सुंदर दिख रही है धोती, बहुत सुंदर धोती है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ट्राई करें। और ये देखिए सेम इसी मेजरमेंट से मैंने ये इस सरजी का पटका भी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये इस सरजी की ये देखिए पोशाक बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये देखिए मैं आपको ये गणगौर माता की दिखा देती हूँ। ये देखिए गणगौर और ईश्वर की पूरी तरह से ड्रेस बनके रेडी हो गई है। ये देखिए हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजी तरीके से गणगौर माता और ईश्वर जी की ड्रेस बना के पोशाक बना के बिल्कुल रेडी कर ली है। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी बनाई हुई ईश्वर जी और गणगौर माता की पोशाक कैसी लगी। और अभी गणगौर माता का फेस्टिवल आ रहा है तो आप भी ट्राई करें और बहुत ही कम टाइम में बना के बताइए। बहुत थोड़े फेब्रिक से बन जाती है ड्रेस, इतना फेब्रिक तो इजिली घर पे मिल जाता है और लेस आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये बनाई हुई पोशाक कैसी लगी। और फ्रेंड्स आप मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहें और वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप बिल्कुल ना करें, इसे आपको इजीली समझ में आ जाती है। उसके बाद में कमेंट्स आते हैं तो फ्रेंड्स ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप वीडियो को फुल वॉच करें और उसके बाद ही कमेंट करें। और मेरी वीडियो पे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और न्यू है आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। एक नए वीडियो के साथ टाटा बाय बाय।